अगर आपको लगता है कि आप अपने कैमरा को मैन्युअली यूज कर रहे हो तो एक बार दोबारा सोच के देखो, क्योंकि कैमरा को एम पर रखने से कैमरा मैनुअल नहीं हो जाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी भी ऑटो के ऊपर सेट होंगी, तो ये तीन चीजें जरूर चेक कर लो। नंबर वन, वाइड बैलेंस चेक करो, कहीं वाइड बैलेंस आपका ऑटो पर तो नहीं है। वाइड बैलेंस हमेशा या तो कस्टम होना चाहिए या फिर कैल्विन के ऊपर होना चाहिए। अगर आपको एक्यूरेट कलर चाहिए तो कस्टम वाइड बैलेंस सेट करो, और अगर आपको मूड क्रिएट करना है तो आपको कैल्विन सेटिंग करनी चाहिए। नंबर टू, आपको चेक करनी चाहिए पिक्चर प्रोफाइल। पिक्चर प्रोफाइल भी ऑटो पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड भी यूज कर रहे हो और स्टैंडर्ड को भी आपने मॉडिफाई नहीं किया है तब भी आप ऑटो पर ही चल रहे हो। और तीसरी चीज है फोकस। हमेशा फोकस को आई ऑटो फोकस पे मत रखो, क्योंकि आई ऑटो फोकस का मतलब है आपका कैमरा कंप्लीटली ऑटो मोड में चल रहा है। आपको यूज करना चाहिए सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस। सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस से आप जहां चाहोगे आपका कैमरा वहां पर फोकस करेगा। और जाते जाते एक और चीज, अगर आप अपने कैमरा में दिए हुए लाइट मीटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, उसको देख करके आप अपने एक्सपोजर को चेंज करते हो, तो आप फुली ऑटो मोड पे काम कर रहे हो।